पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की। अभी अभी हम बाहर बैठे थे तो एक व्यक्ति आकर के हमसे पूछता है, महाराज श्री आप बड़े महाराज जी को वर्तमान आचार्य परमेष्ठी क्यों कहते हैं? प्रवचन उसने हमारे पुराने सुने होंगे तो उसको लगा कि अभी तो आचार्य पदारोहण हुआ नहीं है और आप समय सागर जी महाराज श्री को वर्तमान आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। हमारा उससे एक ही चीज कहना था कि गुरुदेव वो बात कह के गए थे कि जब तक मैं हूं तब तक चर्चा नहीं करना, लेकिन जिस दिन मैं चला जाऊं उस दिन के बाद से समय सागर जी महाराज श्री ही आचार्य पद का निर्वाहन करेंगे। ये कुंडलपुर की पावन पवित्र वसुंधरा पे हम आप ये जो सोच रहे हैं कि 16 अप्रैल के दिन आचार्य पदारोहण दिवस है, आचार्य पदारोहण दिवस तो 17 फरवरी को ही मना लिया था जब गुरुदेव अपने संकेतों में ये बात कह करके गए थे कि जब तक मेरा जीवन है तब तक महाराज श्री आप किसी से चर्चा नहीं करिएगा, लेकिन जिस दिन मैं अपनी संलेखना इत्यादि के कार्यों से निवृत्त होकर के अनंत की यात्रा पर चला जाऊं उसके बाद से एक भी दिन आचार्यों का खाली नहीं रहता। बंधुओं, ये 2 महीने जो निकल रहे हैं अपने को लगता है कि जैन शासन बिना आचार्य परमेष्ठी के चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 फरवरी से ही बड़े महाराज श्री आचार्य पद पर विराजमान है गुरुदेव की आज्ञा से। कोई चाहता नहीं है जवाबदारियों को अपने कंधों पर लेना, लेकिन पूज गुरुदेव हमेशा एक हाइको हम लोगों को सुनाते थे। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि दीक्षा ली जाती, कोई भी मनुष्य है, हम आप जैसे लोग हैं, घर से निकलते हैं, निकल करके मोक्ष मार्ग पर दीक्षित होते हैं, तो आचार्य जी कहते हैं कि दीक्षा ली जाती पद दिए जाते, पद लिए नहीं जाते हैं, पद खींचातानी से खींचे नहीं जाते हैं, शब्दों के वाकजाल से पदों को पदों में बैठा नहीं जाता है। आचार्य महाराज साफ साफ कहते हैं कि दीक्षा ली जाती, मुनि बनाया, मुनि तुम बने, ये तुमने दीक्षा ली, अब पद दिए जाते, हम देंगे। किसको क्या देंगे? जैसे 10 मुनि महाराज जी को निर्यापक श्रमण बना करके गुरुदेव ने संघी व्यवस्था को आकार दिया, ऐसे ही प्रथम निर्यापक श्रमण मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज श्री को आचार्य बना करके उन्होंने पद मांगा नहीं, उनको पद दिया। दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, फिर अंतिम शब्द में गुरुदेव कहते हैं जैसी योग्यता, जिसकी जैसी योग्यता होती है। संघ में भी ये व्यवस्थाएं होती हैं, किसी को 2 नंबर में रखना है, किसी को 3 नंबर में रखना है, किसी को 4 नंबर में रखना है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, एक्साइज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब अपनी मर्जी से नहीं होता। बंधुओं, ये सब चीज़ें भी गुरुदेव के अनुशासन के साथ होती हैं, और बड़े बड़े आचार्यों के जो कर्तव्य रहे हैं धर्म की रक्षा करने का, किसी भी संतप्त हृदय की
विशुद्धि परिणामों की रक्षा करने का। शब्द बड़ा गजब का होता है, हम उसको सैद्धांतिक रूप से नहीं समझ पाते हैं तो हमको लगता है विशुद्धि क्या होती है। लेकिन तीर्थंकर के बाद जैन शासन की रक्षा करने का अगर कोई दायित्व उठाते हैं तो मात्र आचार्य परमेष्ठी उठाते हैं, जिनका कर्तव्य है कि कसाय के परिणाम हमारे हो रहे हैं और उनको देख करके हमारी कसाय मद्दी हो जाए, उनकी वाणी को सुन करके हमारे परिणाम शांत हो जाएं, किसी के जीवन में किसी को मुस्कुरा करके देख लें तो अंदर से उसकी गदगद होकर के आंख से आंसू बहने लगे, कोई अपना धन का दान देने लगे, कोई चरणों में लौट करके अपना अनुग्रह भाव प्रदर्शित करने लगे, मन के अंदर किसी के भी मन को बिना कहे प्रभु या गुरु के सामने झुकने के लिए तैयार करना, ये विशुद्धि बढ़ाने का काम बड़े बड़े आचार्यों का होता है, बढ़ाने का भी होता है और विशुद्धि की रक्षा करने का भी होता है। एक महान रक्षक का वो सिंहासन होता है जिसको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, वे विराजमान होते हैं, शासन की रक्षा करते हैं, तीर्थ की रक्षा करते हैं, हमारी मन वचन और काया की रक्षा करते हैं। घर के अंदर कभी देखिएगा, जब कभी भी आपको अपनी शारीरिक सुविधाओं की जरूरत पड़ती है उसके लिए बहुत कम पुरुषार्थ करना पड़ता है ना? 5,000 रुपये, 7,000 रुपये से लोगों के एक महीने के खर्च की शुरुआत होती है, वो लाखों करोड़ों में भी चली जाए, लेकिन आप अपने परिवार में शरीर की व्यवस्थाओं को जुटा लेते हैं, वचन की व्यवस्थाओं को जुटाने में थोड़ी मेहनत लगती होगी। शरीर की व्यवस्थाएं, भोजन समय पे चाहिए था, 10 बजे मिल गया, आप चाहते थे कि हमें कपड़े प्रेस करे हुए मिले, मिल गए, पंखा चाहिए था मिल गया, एसी चाहिए था मिल गया, ये सब शरीर की अनुकूलताएं हैं। लेकिन घर के अंदर वचन की अनुकूलताएं नहीं मिलती। पिताजी ने हमको सबके सामने डांट दिया, पिता हैं हमारे, हैं अच्छे हैं, लेकिन सबके सामने डांट दिया, किनारे में भी बोल सकते थे उस बात को, बुरा लगता है कि नहीं? सारी सुविधा मिलने के बाद शब्द की अनुकूलता नहीं मिलती। लेकिन आचार्य कहते हैं इन दोनों से गहरी होती है मन की अनुकूलता का घर में ना मिलना। परिवार में आप 10-12 लोगों के साथ रहते होंगे, क्या मेंटल टेंशन नहीं रहता घर के अंदर, बताइएगा? कभी पत्नी को लेकर के, पुत्र को लेकर के, 22 साल की बच्ची को लेकर के, 24-26 साल के लड़के को लेकर के, उसकी बुलेट को लेकर के, उसके खर्चे को लेकर के, उसके व्यसनों को लेकर के, कितना मेंटल स्ट्रेच रहता है कि नहीं? स्वीकार करो ना, स्वीकार करने पर रास्ता दिखाई देता है। अगर हम कहते हैं कि हमको अपने फैमिली मेंबर का कोई भी मेंटल स्ट्रेच नहीं है तो ये बात बिल्कुल शुद्ध झूठ है। क्यों झूठ है महाराज? संसार में रहें और फैमिली मेंबर का मेंटल स्ट्रेच ना रहे, ऐसा होता नहीं। मेंटल स्ट्रेच जो है वो हाइपर लेवल पर घर में रहता है कि रोड पे निकलने पर रहता है, बताओ? एक बार पड़ोसी की दुकान में, किराना दुकान से जब आप एक गुटके का पाउच तोड़ते हैं, उस वक्त पैसे देने का मेंटल स्ट्रेच रहता है कि घर से निकलते वक्त? घर का मेंटल स्ट्रेच सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ महाराज, घर का मेंटल स्ट्रेच सबसे हाइपर लेवल पर रहता है, जिसको मन की कषाय कहते हैं बंधु। और ये जिनायतन, ये इतना बड़ा बड़े बाबा जी का परिकर किसी के शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभदायक है, वाचनिक स्वास्थ्य का भी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर लाभ मिलता है। तुम कहने वाले लोग मंदिर के अंदर आकर के कब आप बोलने लगते हैं पता नहीं चलता। आपने हमारा पर्स देखा क्या? आपने हमारा बैग देखा क्या? कब आपके मुख से वह जो सम्मान सूचक शब्द निकलने लगते हैं इन मंदिरों पर आकर के?
इन मंदिरों का प्रभाव है कि आपकी वचन वर्गना सुधर जाती है, और जो हाइपर लेवल पे मेंटल स्ट्रेच पर लगे हुए लोग रहते हैं, जब वो एकांत में छह घरिया की पहाड़ी से चढ़ते हुए धीरे 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 करके एकांत मंदिरों में वेदियों के सामने माथा झुकाते होंगे, शांति से बैठते होंगे, दो झरोकों से हवा आती है, तो ये जिनालय किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ करने का जितना बड़ा निमित्त है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, शक्ति का प्रयोग किसी के मन को शांत करने में अगर लग गया तो जीवन सार्थक है। और ये जिनालय बनाने के लिए बड़े बाबा का ये बड़ा परिकर बनाने के पीछे पूज्य गुरुदेव का ऐसा पवित्रतम उद्देश्य था कि हर वक्त तो मैं देशना दे नहीं पाऊंगा, हर वक्त मैं लोगों को दर्शन भी दे नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा बना दो कि जिसको बनाने के बाद व्यक्ति उसको देखते देखते ही अपने परिवार के दुख और दर्द से शांति को प्राप्त हो जाए। ये मंदिर जब बना, आप इस मंदिर को एकांत में बैठ करके देखिए, आबू देलबाड़ा के मंदिरों में जो आज से 1600-1400 साल पहले बनाए गए थे, जितना साफ सुथरा मार्बल नहीं लगा, जिस मार्बल ने लगाने वाले अयूब खान ने जब इस मार्बल को लगाया था तो उसने एक शब्द थे कि जितना बेदाग खुदा है उतना बेदाग बड़े बाबा के अंदर लगा हुआ मार्बल है महाराज। इतने साफ सुथरे मार्बल नहीं लगे, इतनी साफ सुथरी कलाकारी नहीं करी, इतना बहुमूल्य द्रव्य लोगों ने लगाया, ये अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए लगाया कि बहुत दूर से जब किसी का मन संसार से खिन्न हो जाए, वो बड़े बाबा जी के पास सामने बैठ करके, उस ध्यानस्थ मुद्रा के सामने ध्यानस्थ बैठ करके अपने मन को चित्त को शांत कर सके। और योजनाएं सिर्फ इतनी ही नहीं जितनी आपको दिख रही है, ये योजनाएं तो बस अभी स्ट्रक्चर खड़ा किया। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का जो दिमाग में मास्टर प्लान था, वो मास्टर प्लान जब कभी भी आप कुंडलपुर कमेटी के ऑफिस में जाएंगे, आपको करीब 12x18 का एक हॉल लगेगा गुरुदेव के इस बड़े बाबा के परिकर को देख करके, उस मास्टर प्लान को देखने में। इतना बड़ा गुरुदेव का मास्टर प्लान, करीब 1000 करोड़ रुपी, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के साथ गुरुदेव चाहते थे कि इस कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर को ऐसा अद्भुत बनाना कि स्वर्गों में भी कभी अकृत्रिम जिनालय की चर्चा हो, स्वर्गों में कभी कृत्रिम जिनालय की चर्चा हो, तो स्वर्गों के देवता भी बोले कि जितना सुंदर अकृत्रिम जिनालय स्वर्गों में है, उससे भी सुंदर जिनालय कुंडलपुर के बड़े बाबा का किसी ने बनाया। गुरुदेव के अंतर मन का ऐसा भाव था कि सब वक्त रहते हो जाएगा। गुरुदेव बार बार लोगों को बोलते रहे, देखो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और हमको लगा कि आचार्य श्री जी सामान्य से ऐसा कहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आचार्य श्री जी के पुराने वीडियो के एक एक शब्द आज हमको संकेत के रूप में समझ पर आते हैं। जब गुरुदेव बोलते हैं कि हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास जाएंगे, जाने के बाद लगता है सही में चले गए। उनके एक एक शब्द, पुराने वीडियो आज हमारे दिल पे एक एक दर्द पैदा करते हैं। बंधु, ऐसा लगता है कि गुरुदेव आप संकेतों में कितना कुछ कहते रहे, लेकिन हम अबोध थे तो हम समझ नहीं पाए। लेकिन मैं हमेशा वो बात कहता हूं कि जैसे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद, शरीर से मुक्त होने के बाद, इस पूरे शासन काल में जवाबदारियां कभी खत्म नहीं हुई। भगवान महावीर के कर्तव्यों को गौतम गर्दन ने स्वीकार किया, गौतम गर्धर के कर्तव्य को जम्बू स्वामी ने स्वीकार किया, फिर आराती आचार्यों ने स्वीकार किया और शासन को सुरक्षित रखा। भगवान महावीर के मोक्ष जाने से इस सृष्टि पर हिंसा मिट नहीं गई, अहिंसा का साम्राज्य स्थापित नहीं हो गया। आराती आचार्यों ने अपना कंधा लगाया, कंधा लगाते 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 2600 साल निकल गए। उन 2600 सालों में अब अगला कंधा लगाने के लिए परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी
अपने पूरे वैभव के साथ 16 अप्रैल को जितनी कृपा पूज्य गुरुदेव ने पिछले 55 सालों में हम सबके ऊपर की है, वैसी ही और अद्भुत कृपा बड़े गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री 16 अप्रैल के बाद वे तो तब से ही कर रहे हैं। जिस दिन गुरुदेव का काल धर्म हुआ था उस वक्त से उन्होंने अपना दायित्व बिना कहे अघोषित रूप से स्वीकार कर लिया था। अपनी गंभीरता में वो आ गए थे, उन्होंने भरसक कोशिश करी कि कभी उनकी आंख से आंसू नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं अब रोऊंगा तो मेरे साथ मिलकर के और भी लोगों को द्रवित होंगे। वे किसी को शोकाकुल नहीं करना चाहते थे। एक एक मुनि संघ का, आरिका संघ का, उस रात में भी महाराज श्री ने हौसला बढ़ाया, सबको सुबह होते होते पूरे संकेत देना शुरू किए, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और उन्होंने जवाबदारी तो 17 फरवरी की रात को ही स्वीकार कर ली थी। आज 16 अप्रैल के दिन हम उस जवाबदारी का एक महान महोत्सव देखेंगे, जो एक स्थापना का कार्यक्रम हम सब चाहते थे। बड़े महर्षि तो कुछ चाहते नहीं, क्योंकि जैसे तीर्थंकर वीतरागी होते हैं ऐसे आचार्य भी बहुत बड़े वीतरागी होते हैं। बंधु वो कुछ नहीं चाहते थे, उन्होंने इस योजना में एक शब्द भी नहीं बोला। हम सब की और मुनि संघ की, आरिका संघ की एक बड़ी भावना थी कि चूंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा आचार्य भगवंत की सबसे बड़ी साधना स्थली, कर्म स्थली, तपा स्थली रहे हैं, तो नए आचार्य महाराज के सिंहासन के ऊपर हम दर्शन करने का सौभाग्य पूरा मुनि संघ कुंडलपुर के बड़े बाबा के परिकर में देख पाए। ये संघ की भावनाओं को उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि वे इस भावना को स्वीकार करते हुए निरंतर 900 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा के इस विशाल समोषण में वे शीघ्र ही एकाध 7-8 दिनों के अंदर अपने दर्शन दे करके हम सबको कृतार्थ करेंगे बंधुओं। लेकिन जवाबदारियां सिर्फ आचार्य महाराज की नहीं है, जवाबदारियां हर शख्स की है। जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है, जितनी आरिका संघों की है उतनी छुल्लक महाराज जी लोगों की भी है। सबको मिलकर के जैन शासन के इस रथ को और कंधा देना है। गुरुदेव समय से पहले चले गए मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि महापुरुष हैं, उनको लगा होगा कि इस नश्वर देह को जो कल तक मेरा साधन थी आज बंधन बन रही है। तो आचार्य श्री को तो वैसे भी कभी भी बंधन में रहना पसंद नहीं रहा। वो गुरुदेव हमेशा कहते थे इस बात को कि जब तक शरीर साधन है इसकी सुरक्षा करेंगे, जिस दिन बंधन लगेगा तो बंधन मुक्त होकर के निकल जाएंगे। गुरुदेव को लगा कि शरीर अब बंधन हो गया है, साधन कम बंधन ज़्यादा हो रहा है, तो वे बंधन मुक्त होकर के चले गए बंधुओं। लेकिन कर्तव्य अधूरे छूट गए। आज परिस्थितियाँ एक बार फिर पुकारती हैं आप सबको एक साथ। गुरुदेव चाहते थे कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के पीछे का यह जो परिकर आपको दिख रहा है, शीशम की लकड़ी के ऊपर सोने और चांदी के काम, इस वेदी के पीछे भी, फिर जितनी वेदियाँ आपको बड़े बाबा परिसर में दिख रही हैं उसमें भी चांदी का बहुत बड़ा काम होना था। गुरुदेव की कल्पनाओं में करीब 500 कुंटल चांदी का काम कुंडलपुर के इस बड़े बाबा के मंदिर के अंदर होना था। बंधुओं गुरुदेव ने कहा था कि अगली बार जब कभी भी आऊँगा कुंडलपुर के बड़े बाबा का चांदी का पूरा काम 2-4 दिनों में ही कर दूंगा। लेकिन नियतियाँ कुछ और दृश्य दिखा रही हैं। जवाबदारियाँ पिता के जाने के बाद जैसे पुत्र के कंधे पर आती हैं, ऐसी ही जवाबदारियाँ सिर्फ मेरे कंधे पर नहीं आप सबके कंधे पर भी हैं। गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा कि कितने सारे शिष्य हो गए भगवान, तो गुरुदेव कहते हैं कौन सा शिष्य कपड़ा उतार के बैठा है और कौन सा शिष्य कपड़ा पहन के बैठा है ये हमारे लिए कहना संभव नहीं है। हमारे तो बहुत सारे ऐसे शिष्य भी हैं, क्योंकि आचार्यों के गृहस्थ शिष्य भी होते हैं, हैं तो घर में लेकिन अपने दायित्व का निर्वाहन वो घर में बैठे बैठे भी करते हैं। 500 कुंटल चांदी के इस परिकर में लगने का जो गुरुदेव का भाव था, उस पूरे के पूरे उस कार्यक्रम को आयोजित और नियंत्रित करने के लिए
रूपरेखाओं को कमेटी ने थोड़ा सा आकार दिया। मैं स्वयं यहाँ पर चला करके आया और मेरा खुद भावना हुई कि मैं यहाँ से आप सबको गुरुदेव की वो पवित्र भावना कह सकूँ। उनका संदेश मात्र इतना सा है, आप सभी महानुभाव बड़े बाबा जी के पीछे के परिकर के साथ जितनी भी वेदियों में शीशम की लकड़ियाँ लगी हैं उसमें सोने और चांदी में अपने परिवार का भी सहयोग कर पाएं, मात्र 100 ग्राम चांदी। कितनी कितनी भैया? सिर्फ 100 ग्राम चांदी प्रति माह। कब तक? सिर्फ 1 वर्ष तक। और 1 वर्ष में मात्र 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के वो जो 500 कुंटल चांदी का गुरुदेव की वो जो कल्पना थी, उस कल्पना में मात्र आप अपने परिवार की ओर से 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के गुरुदेव की उस पूरी कल्पना को साकार करने में अपना अपने परिवार का योगदान दे सकते हैं। समयावधि पूरे 1 वर्ष की है। दिन की सिर्फ 3 ग्राम चांदी देवशास्त्र गुरु की और जैन शासन की रक्षा करने के निमित्त से, सिर्फ 3 ग्राम चांदी क्या कहलाती है आप खुद सोचिएगा। महीने की 100 ग्राम, एक महीने, एक साल में सिर्फ 1 किलो 200 ग्राम चांदी का एक छोटा सा संकल्प पत्र। जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं अपनी भावनाओं को लेकर के कि हमें बड़े बाबा के दर्शन मिलेंगे, हम अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, लेकिन उनके साथ छोटे भावना की जो भावनाएं अधूरी रह गई, उन अधूरी भावनाएं अधूरी तो रहेंगी नहीं, बस उसमें ये देखना है कि आप अपना योगदान दे पाएंगे कि नहीं। आपको लगता है कि हमारे परिवार में भी इतना पुण्य है, इतनी सामर्थ है, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने झूठे स्टेटस के लिए, हम अपने गुरुदेव के लिए अगर सिर्फ 1 वर्ष का संकल्प करिए, धीरे धीरे करके 100 ग्राम चांदी प्रतिमाह दे करके, 1 वर्ष में 1 किलो 200 ग्राम चांदी दे करके आप बड़े बाबा जी का अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। पुण्यार्थी परिवार दिल्ली से पधारे, मैंने उनसे कहा, वहीं बाहर बैठकर ही कहा मैंने कि देखो छोटे बाबा का, गुरुदेव का एक काम बाकी रह गया है। वो सहर्ष बोले, गुरुदेव राशि मैं नहीं बोलूँगा, राशि आप बोलिए, जितनी आप बोलेंगे हम उतनी करेंगे। उन्होंने दिल्ली से पधारे महानुभावों ने सिर्फ एक छोटे से संकेत पे 16 लाख रुपए की राशि देना स्वीकृत किया। हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। गुड़गांव के हैं, हाँ, और साथ ही साथ गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले नवीन जी गुड़गांव, वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी शक्ति का 100 गुना द्रव्य दान दिया है बंधुओं। और उनकी शक्ति कितनी है, उनकी शक्ति मैं माइक के माध्यम से बोल करके उनके लिए विपत्ति खड़ी नहीं करूँगा, लेकिन आज के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में प्रथम अभिषेक सौधर्मेंद्र बन करके अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य नवीन जी गुड़गांव वालों को मिलेगा। द्वितीय शांति धारा करने का सौभाग्य 16 कलश की राशि के साथ दिल्ली से पधारे परिवार को मिलेगा। गुड़गांव से आप भी, गुड़गांव से ही पधारे हैं, नवीन जी आपके बगल में हैं, आपको भी हार मुकुट लगा दें। साथ ही साथ तृतीय परिवार की तलाश होगी, मात्र 3,51,000 रुपए की राशि के साथ तीसरे सौधर्मेंद्र बनने की। 4 सौधर्मेंद्र का एक परिकर होता है बंधुओं, उन 4 सौधर्मेंद्र के माध्यम से हम प्रतिदिन भगवान जी की शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। 2 परिवार 3,51,000 रुपए की राशि के साथ, वो भी राशि आप चाहें तो धीरे धीरे करके 1 साल में धीरे धीरे देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नवीन जी के साथ उनकी अर्धांगिनी शिल्पी जी जैन और परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी के पुण्य की एक बार हम अनुमोदना करते हैं अच्छे से करतल ध्वनि के साथ। हाँ, पीछे का भैया कोई हाथ उठा रहा है, आप आवाज ना लगा करके आप चाहें तो वहां से नाम लिखा करके यहाँ दे दीजिएगा। और जितने भी महानुभाव यहाँ पर विराजमान हैं अपनी सामर्थ्य को देखिएगा। आपकी सामर्थ्य 100 ग्राम चांदी बहुत छोटी चीज होती है, परंपरा कितनी बड़ी चीज होती है, शासन कितनी बड़ी चीज होती है, अहिंसा कितनी बड़ी चीज होती है, जैन शासन की रक्षा कितनी बड़ी चीज होती है। आप पुरुषार्थ करते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए
मात्र 100 ग्राम चांदी का एक संकल्प पत्र भरिए कि हर माह 100 ग्राम चांदी का हम भेजते रहेंगे महाराज, एक साल में 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के आप सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसी मेरी भावना है। और जिनकी ऐसी पवित्रतम भावना बने शांति धारा में, वे भी साथ में शामिल होंगे। और बिल्कुल छोटे से प्रकल्प के साथ आप आज के इस पावन पवित्र अवसर पर जितने महानुभाव गर्भगृह के अंदर हैं, जितने महानुभाव गर्भगृह के बाहर विराजमान हैं, वे सभी अपना सौभाग्य अर्जित करें। सिर्फ 100 ग्राम चांदी, 100 ग्राम चांदी की कीमत आप महीने की देखेंगे तो सिर्फ 8,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 10, 12, 14 हज़ार रुपये तो आप अपने घर के अंदर के नौकर को नौकरी में दे देते हैं। नवीन जी से मुझे पैसे की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, वे अपना कार्ड नहीं भी भरेंगे तो मुझे चलेगा, मुझे पता है उनको पहले ही, बिल्कुल कार्ड भरने की जरूरत भी नहीं है, उनका कार्ड कैंसिल कर दीजिए, वो सिर्फ सौधर्मिंद बनेंगे, बात खत्म हो गई, पैसे की कोई अपेक्षा नहीं है। अभी आचार्य महाराज जी का जब साथ में रह करके 2022 में यहाँ पर भव्यतम पंचकणक महोत्सव हुआ था, ये उस पंचकणक महोत्सव के प्रथम सौधर्मिंद्र के रूप में है बंधुओं, इनका वैभव ही अलग है। और हर बार वो कुछ कहते हैं, दान की बात करते हैं, लेकिन मुझे अब उनसे दान भी नहीं चाहिए। वे ऐसे पुण्य पुरुष हैं कि सिर्फ बगल में खड़े भी हो जाएं तो उनको देख करके लोगों को अपने आप दान देने की भावना पैदा हो जाती है। बंधुओं, ये चमत्कार उनके दान का भी है और उनके गुरु का भी है। बंधुओं, आज मुझे उनसे धन की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, वे तो सौधर्मिंद्र, मैं जहां भी जाऊंगा और वो आएंगे तो उस दिन के प्रथम सौधर्मिंद्र तो नवीन जी बिना अघोषित रूप से है ही। लेकिन मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ 100 ग्राम चांदी देकर के आप अपने परिवार का नाम एक बार गुरुदेव की भावनाओं के साथ दर्ज कराओ, जरूरी है। 8,000 रुपये एक महीने में कोई बड़ी बात नहीं होती, एक साल में सिर्फ 90,000 रुपये धीरे धीरे देंगे तो 1 किलो 200 ग्राम चांदी बड़े बाबा की इस परिकर में लग जाएगी। आप अपने परिवार का सौभाग्य वर्धन करें। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, संदेश और उपदेश की भी अपनी सीमाएं होती हैं। बंधुओं, बहुत देर तक देने पर भी जिसको देने का मन होता है वो तो बारिश के उस मौसम जैसा होता है कि मोर को पहली कड़क की आवाज़ आए और पानी गिरे, और वैसे ही मोर अपने पंख फैला करके झूमने लगता है। जिनका दान देने का मन होता है वो तो साधु की संकेत को समझने के बाद तुरंत तैयार हो जाते हैं कि महाराज आपने बात कही, परिवार में अनुकूलता है, 90,000 रुपये एक साल में हम धीरे धीरे दे देंगे, 8,000 रुपये प्रति माह एक साल में, सिर्फ 90,000 रुपये या 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के आज आप शांति धारा अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। वे महानुभाव, वे माँ बहनें जो मुझे पीछे से सुन रही हैं, उन तक कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, अगर उनके भी परिवार में किसी का मन बने तो एक करके अपने इस फॉर्म को भरिएगा। श्री बलेश, आज जितने लोग इस बड़े बाबा के गर्भगृह में और गुण मंडप पर विराजमान है, इतने लोगों ने भी सिर्फ अपना समर्थन कर दिया तो ये चांदी को एकत्रित करने की कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। बंधुओं, 500 कुंटल चांदी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप दें या ना दें बड़े बाबा का काम तो होगा, बस ये है कि उन जवाबदारियों में आपके परिवार का कंधा लगे या ना लगे। लेकिन साधु की इच्छा शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है, उसने सोच लिया काम होगा तो वो तो होके रहेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। लेकिन अपने जिंदगी में इतना बड़ा पराक्रम है, अपने आप से कभी पूछिएगा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, अपने आप से कभी पूछिएगा कि आप आज जहाँ पर हैं वो अपने पराक्रम से हैं, अपने पुरुषार्थ से हैं, अपने भाग्य से हैं कि गुरु की कृपा से हैं। आपको लगेगा कि आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके पुण्य से ऊपर गुरु की कृपा है। आज जरूरत है, वक्त है, 1 किलो 200 ग्राम चांदी की मात्र अपेक्षा है। प्रतिदिन सिर्फ 108 परिवारों से मैं हमेशा अपेक्षा करता हूं कि 1 किलो 200 ग्राम चांदी देकर के आज के दिन को आप सब मिलकर के सफल बनाएं, ऐसी भावना है। मैं शब्दों को विराम दे रहा हूं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को आकार दें इन भावनाओं के साथ।